नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा ये अगला वीडियो है डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई टारगेट है और उस टारगेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इंट्रैक्शन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्केटर हो जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब लाइट किसी भी मटेरियल में इंसिडेंट होता है तो या किसी भी रिफ्लेक्टेड सिस्टम पे इंसिडेंट होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्केटरिंग। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पैरेलल मूव करती है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट डिफरेंट डायरेक्शन पे रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्केटरिंग। तो आज हम देखेंगे कि जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी स्केटरर पे टारगेट में तो उसका डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरिया। तो दोस्तों, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम शॉर्टकट में DSC के नाम से भी जान सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो टारगेट के द्वारा जो एनर्जी स्केटर्ड होता है, एनर्जी मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल इंसिडेंट हो, कोई भी कोई भी मटेरियल पार्टिकल वेव्स इंसिडेंट हो, तो टारगेट के द्वारा जो एनर्जी स्केटर्ड होता है उसका अमाउंट अपॉन इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी का पर सेकंड सॉलिड एंगल के डायरेक्शन पे टारगेट का रेशियो इक्वल होता है। अर्थात पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर जो एनर्जी स्केटर्ड होता है उसका अमाउंट अपॉन पर सेकंड जो इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी टारगेट पे इंसिडेंट होता है, उन दोनों का जो रेशियो है वो डिफ्रेक्शन स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसको हम सिग्मा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ओमेगा है ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। जब सरफेस या किसी एरिया के द्वारा किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया जाता है तब उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। दोस्तों, इस डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर जो एनर्जी स्केटर्ड होता है उसका अमाउंट अपॉन पर सेकंड इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, उसके अमाउंट का जो रेशियो है वो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाता है। दोस्तों, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है। एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी की डिफिनीशन क्या होती है कि इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो यूनिट एरिया है उस यूनिट एरिया में जो इंसिडेंट एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। फिर से आप समझ सकते हैं कि जब इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जब किसी पॉइंट पे किसी टारगेट पे रेडिएशन इंसिडेंट होता है उस इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन का एक परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उस एरिया पर यूनिट एरिया पर जो इंसिडेंट एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है यह वह इंसिडेंट एनर्जी है जो कि यूनिट एरिया पर इंसिडेंट होती है, और यह जो एरिया है यह इंसिडेंट रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नॉर्मल पे लिया जाता है। मतलब अगर
रेडिएशन इस डायरेक्शन पे इंसिडेंट हो रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इस तरह से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसका जो यूनिट एरिया है उस यूनिट एरिया में जो इंसिडेंट एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। दोस्तों ये हो गया इसका डायरेक्शन, इसका डायग्राम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कोई स्केटर है, टारगेट है, यहां से इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। अब ये स्केटर से स्केटरिंग होकर के ये इस डायरेक्शन पे ये जो बीच वाली लाइन से शो किया गया है यहाँ पे ये स्केटर रेडिएशन है। ये एक एरिया है डीए, ये डीए यहाँ पे एक एंगल बनाता है जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है और इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन से एंगल फाई बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो डिस्टेंस है उसको हम आर ले रहे हैं। मतलब ये जो रेडियस है अगर इसको हम पूरा सर्कुलर फॉर्म में मूव करें तो ये एक रेडियस होगा, ये आपका कहलाएगा रेडियस। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया वो सरफेस, वो एरिया जहां पे ये एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमने मान लिया कि जो सॉलिड एंगल है वो डी ओमेगा है और डीए एरिया का एक एलिमेंट है जिसके द्वारा सॉलिड एंगल बनाया जा रहा है स्केटर पर। यहाँ पे ये स्केटर है, स्केटर पर एंगल बनाएगा, मतलब ये कोई एरिया होगा और इस एरिया के थ्रू ये स्केटर पर जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एसएस क्या है, एसएस एक ऐसी इंटेंसिटी है, स्केटर रेडिएशन की इंटेंसिटी है। तब यूएस सॉलिड एंगल के डायरेक्शन पे पर सेकंड जो एनर्जी स्केटर्ड होगी उसका अमाउंट होगा dPs इक्वल टू SSdA। अर्थात SS यहां पे क्या है, स्केटर्ड रेडिएशन की इंटेंसिटी है। तो यूनिट एरिया पे स्केटर्ड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है यूनिट एरिया पर वह है स्केटर्ड एनर्जी का एक अमाउंट पर सेकंड शो करता है जिसको हम dPs से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड जो एनर्जी स्केटर्ड होती है उसका अमाउंट, क्योंकि पर यूनिट सॉलिड एंगल है इसलिए डी ओमेगा अपान में आ गया है। पर का मतलब होता है डिवाइड, अगर पर यूनिट एरिया है तो एरिया का डिवाइड होगा, पर यूनिट सॉलिड एंगल है तो सॉलिड का डिवाइड होगा। मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड में जो एनर्जी स्केटर्ड होगी उसका अमाउंट dPs अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू यहां SSdA अपॉन डी ओमेगा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों सॉलिड एंगल dA इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो dA अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यहां हम जब dA की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा डी ओमेगा r स्क्वायर, डी ओमेगा से डी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा SSr स्क्वायर। तो जो आपका इस तरह से डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा, जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है जिसको हम सिग्मा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने अभी देखा कि जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर जो स्केटर्ड एनर्जी है अपॉन पर सेकंड इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी दोनों का रेशियो होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका dPs अपॉन डी ओमेगा जो कि हमने अभी देखा यहां पे है यूनिट सॉलिड एंगल पर सेकंड पे स्केटर्ड एनर्जी का रेडिएशन एनर्जी है और इंसिडेंट रेडिएशन पर सेकंड SI है। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं कि जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वह SS डॉट r स्क्वायर अपॉन SI के इक्वल होता है। डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन क्योंकि यहां पे ये एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, ये r स्क्वायर है, तो इन दोनों का यूनिट सेम होने के कारण इसका यूनिट इस डिफरेंशियल स्केटरिंग का यूनिट आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आर स्क्वायर मतलब इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है वो क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन अर्थात एरिया के इक्वल होगा। फिर अगला टॉपिक है दोस्तों इसी में है टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जिसको हम TCS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब ओवरऑल कंप्लीट स्केटरिंग, इसको हम डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन को पूरे ओवरऑल एंगल पे
इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो पर सेकंड यूनिट सॉलिड एंगल के लिए होता है। अगर हम टोटल एंगल के लिए देखें तो वो कहलाता है टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इसको हमने यहां पे इंटीग्रेट कर दिया, सिग्मा ओमेगा की ये वैल्यू पुट कर दिया। हम जानते हैं डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां हम डी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हो जाएगा एस एस डी ए अपॉन एस आई। हमने अभी अभी देखा कि एस एस डी ए इक्वल टू होता है डी पी एस, मतलब ये जो टोटल इनर्जी, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ है, देखा डीपीएस इक्वल टू होता है एसएसडीए। अगर इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कि पीएस से रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से ये हो जाएगा सिग्मा टी इक्वल टू पीएस अपॉन एसआई, यहां पीएस इक्वल टू ये दिया हुआ है टोटल एनर्जी स्केटर्ड पर सेकंड। तो दोस्तों जो डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वह है यूनिट सॉलिड एंगल में पर सेकंड स्केटर्ड एनर्जी और पर सेकंड इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है, लेकिन जो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो पर सेकंड टोटल एनर्जी स्केटर टोटल एनर्जी होता है और अपान में पर सेकंड इंसिडेंट एनर्जी होता है। मतलब डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन यूनिट सॉलिड एंगल के लिए होता है और जो आपका टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीट ओवरऑल एंगल के लिए होता है, मतलब टोटल मटेरियल के द्वारा जो एंगल बनेगा उसके द्वारा होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आपका टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। ऐसे जो टोटल पावर स्केटरिंग है ऑल डायरेक्शन पे, ये टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो आपका इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि टोटल पावर स्केटरिंग इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन पे जो टोटल पावर होगा स्केटर टोटल पावर होगा। स्केटर टोटल पावर का मतलब हो गया एनर्जी पर सेकंड। दोस्तों हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, अब वर्क को एनर्जी लिखा जाता है, इस तरह से पावर इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। अगर हम पर सेकंड की बात करते हैं तो जो पावर है वही एनर्जी कहलाएगा। तो इस तरह से टारगेट के द्वारा या स्केटर के द्वारा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पे जो टोटल पावर स्केटर्ड होता है और जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है पर सेकंड यूनिट टाइम के लिए, उन दोनों का जो रेशियो है वो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। इंटेंसिटी रेडिएशन मतलब यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी इंसिडेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे वीडियोस हर लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आ रहे हैं, फिजिक्स में डिफरेंट पार्ट्स के आ रहे हैं, हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करें। थैंक यू।